Hello students, I welcome you all to Learnerz Academy. This is my fifth video of MS Excel in which we will discuss cell group of home tab. In the previous video, we have learnt about style group. So let's begin. Cell group. This option is available in our home tab. Cell group has mainly three commands. One is insert, another one is delete, next is format. These are available in our cell group, the three commands. Now we will discuss each one in detail. The very first is the insert command. Insert command kya karegi? Aapke koi bhi cell, koi bhi row, column ya phir sheet ko insert karegi aapki present sheet mein. So let us see, this is a drop down menu. Aap yahan se dekh sakte hain. Insert. When you click on this menu, you will get four more commands. One is insert cell, then is insert sheet rows, insert sheet column, and insert sheet. Now we will look one by one. What is insert cells? Insert cell kya hoga? Koi bhi aapki present sheet hai jiske upar aap kaam kar rahe ho, uske beech mein aapne kuch cells insert karwane hain. When we click on this command, you will get these four options. One is shift cells right, another is shift cell down, entire row, entire column. Ab hum dekhte hain ki ye sari options kaise work karti hain. Sabse pehle, this is my data. Ye data hai mere paas ek, jo maine apni sheet mein place kiya hua hai. Maine is pure data mein se ye kuch part jo hai apne data ka wo select kiya aur uske baad maine click kiya insert pe jaake. Shift cell right means अब आपके cells insert होंगे और उनकी positioning कैसे होगी, जो ये present data था वो towards right आपका shift हो जाएगा और यहाँ पे आपके cells जो हैं वो insert हो जाएंगे. अब देखिए यहाँ पे ये जो 496 to 34 values, these are shifted towards right. ये right की तरफ shift हो गए हैं और आपके cell जो हैं वो यहाँ पे insert हो चुके. This is our first option, that is shift cell right. नेक्स्ट इज शिफ्ट सेल्स डाउन. इसमें क्या होंगे, आपकी जो भी आपके सिलेक्टेड सेल्स होंगे वो टुवर्ड्स डाउन शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके नए सेल्स जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे. लेट अस सी. या दिस इज शिफ्ट सेल डाउन. ये मैंने डेटा सिलेक्ट किया है अगेन, तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगी, ओके प्रेस करूँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे का पूरा ये मेरा डेटा टुवर्ड्स डाउन जो है वो नीचे की तरफ आपका शिफ्ट हो गया है और ऊपर आपके ये सारे सेल जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज इंटायर रो. इंटायर रो में देखिए ये डेटा मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया इंटायर रो एंड ओके किया, तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरी जो रो है, पूरा का पूरा डेटा है वो नीचे शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे आपके उतने नंबर ऑफ रोज ही इंसर्ट हो गई हैं जितना आपका डेटा सिलेक्टेड था. 1 2 3 4 5 6 रोज सिलेक्टेड थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 रोज ही इंसर्ट हो गई. 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पूरी की पूरी इंटायर जितना आप डेटा सिलेक्ट करेंगे उतनी ही नंबर ऑफ रोज आपकी जो हैं वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी. अगर मैं सिर्फ इतना डेटा अपना सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को यूज़ करूँगी, देन उसके बाद क्या होगा, सिर्फ दो ही रोज़ जो हैं वो नई इंसर्ट हो जाएंगी, क्योंकि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ मैंने सिलेक्ट किए हैं, पे 2. नेक्स्ट इज इंटायर कॉलम. अब इंटायर कॉलम में क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया है अपना एन एंड ओ में जो प्लेस्ड है, तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करके इंटायर कॉलम करके ओके किया, आप देख सकते हैं कितने कॉलम्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, 2 कॉलम्स, और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी सिलेक्टेड हैं, 6. तो उतने ही कॉलम और उतनी ही रोज़ मेरी क्या हो गई, यहाँ पे इंसर्ट हो गई. 2 कॉलम्स, 1 2 3 5 एंड 6 रोज़. दिस इज़ हाउ इंसर्ट सेल्स वर्क. इंसर्ट सेल में अभी हमने देखा है कितनी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंसर्ट सेल राइट, इंसर्ट सेल डाउन, इंटायर रो एंड इंटायर कॉलम. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट ऑप्शन,
that is entire insert sheet rows, पूरे की पूरी sheet rows को हमने insert करना है. अब see, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक data field select किया है, एक number select किया है, एक cell ही select किया है. इस select करने के बाद मैंने इस button पे click किया, इस command को run किया, insert sheet rows. जैसे ही मैंने इस command को run किया, तो यहाँ पे कितनी selection थी, सिर्फ एक cell की. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक row जो है वो insert हो गई है. तो जितने भी आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक करेंगे, उतने नंबर ऑफ रोज ही आपकी इंसर्ट हो जाएंगी. अगर मैं यहाँ पे तीन सेल्स को सिलेक्ट करूँगी, इफ़ आई सिलेक्ट दीज थ्री सेल्स और मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगी, तो क्या होगा, ये तीनों रोज जो हैं टूवर्ड्स डाउन आपकी शिफ्ट हो जाएंगी और यहाँ पर तीन नई रोज जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगी इस डेटा से पहले. नेक्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट शीट कॉलम्स. सिमिलरली जैसे हम रोज़ को इंसर्ट करते हैं, उसी तरह वी हैव द ऑप्शन टू इंसर्ट कॉलम. तो दो कॉलम्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए, एन एंड ओ, और एक सेल यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने एन एंड ओ वाले इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट शीट कॉलम्स को क्लिक किया, तो आपके दो नए कॉलम्स जो हैं वो इंसर्ट हो गए. एंड द लास्ट वन इज इंसर्ट शीट. अब आप प्रेजेंटली अपनी शीट पे काम कर रहे हैं और आपको एक और शीट इंसर्ट करवानी है, तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे इंसर्ट शीट पे. जैसे देखिए, प्रेजेंटली मैं शीट नंबर फोर पे काम कर रही थी और मेरे पास कितनी शीट्स हैं, टोटल फोर शीट्स हैं, और मुझे एक और शीट की रिक्वायरमेंट है. मैं इंसर्ट शीट पे क्लिक करूँगी तो एक नई शीट जो है वो ओपन हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी. सो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ इंसर्ट, इंसर्ट सेल, रोज, कॉलम एंड शीट. जैसे हमने इंसर्शन की है, इन द सिमिलर वे वी कैन गो फॉर द डिलीट पार्ट. डिलीट में भी डिलीट सेल मिलेगा, डिलीट रोज मिलेंगे, कॉलम्स मिलेंगे. नाउ लेट अस सी, डिलीट भी क्या है, आपका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें आपके पास फोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज, कॉलम्स एंड शीट. अगेन हम इसमें वन बाय वन चेक करेंगे कौन सी ऑप्शन क्या करेगी. सबसे पहले है डिलीट सेल्स. जैसे आप डिलीट सेल्स पे क्लिक करते हैं, यू विल गेट दिस डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर चार ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं. वन इज शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, इंटायर रो एंड इंटायर कॉलम. अब एक एक करके हमने इसका यूसेज देखना है. सपोज दिस इज माई डेटा, ये मेरा कंप्लीट डेटा है, एक शीट में मैंने इतना डेटा फिल किया हुआ है. सबसे पहले मैंने इसको दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया, दो सेल्स मेरे सिलेक्टेड हैं, तो मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया सिलेक्शन के बाद, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट एंड देन आई प्रेस ओके. तो क्या होगा, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, और ये दोनों जो सेल्स हैं वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट. तो इनकी पोजिशनिंग इधर आ जाएगी. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैल्यूज जो आपकी 65 थी एंड 6251 वैल्यू, दैट विल बी डिलीटेड, और आपके इधर वाले जो सेल्स थे वो टूवर्ड्स लेफ्ट जो हैं आपके शिफ्ट हो चुके हैं आफ्टर डिलीशन. नेक्स्ट इज शिफ्ट सेल्स अप. तो इसमें क्या होगा, आपके सेल्स पहले डिलीट होंगे और डिलीशन के बाद जो बाकी डेटा होगा वो टूवर्ड्स अपवर्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा. सबसे पहले मैंने इन दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया, 65 एंड 6251. तो मैंने उसके बाद ये ऑप्शन पे सिलेक्ट किया, शिफ्ट सेल्स अप और ओके प्रेस किया. जैसे मैंने ओके प्रेस किया, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या है, शिफ्ट सेल अप. तो नीचे वाले जो सेल थे, जो वैल्यूज़ थी वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी. ये देखिए, 487 और 1212 ऊपर चले गए, 548 उससे ऊपर चला गया. इस तरह आपके जो सारे के सारे नीचे वाले सेल थे वो अप शिफ्ट हो गए हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट इज इंटायर रो. अब ये देखिए, ये डिलीशन कैसे होगी, ये मैंने दो सेल्स को सिलेक्ट किया, मैंने इंटायर रो पे क्लिक किया, ऑल्दो मैंने ये दो सेल सिलेक्ट किए हैं लेकिन मैं डिलीट क्या करना चाहती हूँ, इंटायर रो. तो मैं ओके प्रेस करूंगी. जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी और ये वाली रो जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी.
Next is entire column. जैसे हम रो को डिलीट करते हैं, सिमिलरली वी कैन डिलीट इंटायर कॉलम ऑल्सो. तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही मैंने 65 और 60 ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने सिलेक्ट किया. सिलेक्शन के बाद मैंने इंटायर कॉलम पे क्लिक किया, देन ओके प्रेस किया. तो क्या हुआ, ये जो वैल्यू थी 65 एंड 6251, ये आपकी क्या हो गई, डिलीट हो गई. और ये जो कॉलम्स थे 1212, वो यहाँ पे आ गया. ये वाली वैल्यू उठ के इस जगह पे आ गई. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एन एंड ओ में अब कौन सी वैल्यूज़ आ गई. ये नई वैल्यूज़ आ गई, पुराने वाली वैल्यूज़ डिलीट हो गई और ये वाली वैल्यू शिफ्ट होके इस कॉलम में प्लेस हो गई. ये पूरा का पूरा जो कॉलम था वो क्या हो गया है, ये सारा कॉलम क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा. इंटायर कॉलम, दोनों कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे. ये पी वाली वैल्यू एन में चली जाएगी, क्यू वाली वैल्यू सारी ओ में आ जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट डिलीट सेल्स. अब हम डिलीट शीट रोज की बात करते हैं. डिलीट में और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं. शीट रोज, अब हम इसको देखते हैं. ये मैंने अपने एक डेटा सिलेक्ट किया है. सिलेक्शन के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया डिलीट शीट रोज. तो मेरी क्या हो गई, ये पूरी की पूरी जो रो थी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी. और नीचे वाली रोज आपकी टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगी. नेक्स्ट इज डिलीट शीट कॉलम्स. अब आपने कॉलम डिलीट करना है. तो सिमिलरली मैंने 65 और 6251 वैल्यू सिलेक्ट की. सिलेक्शन के बाद मैंने डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक किया. जैसे ही मैंने इस वैल्यू पे मैं क्लिक करूँगी तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों कॉलम्स जो क्या होंगे, वो डिलीट हो जाएंगे. तो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट डिलीशन के बाद. नेक्स्ट इज डिलीट शीट. अब पूरी शीट को आपने डिलीट करना है. जैसे आप डिलीट शीट पे क्लिक करोगे तो आपकी इस तरह का कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आपका डेटा प्रेजेंटली शीट में अवेलेबल है, कि आपने उसको परमानेंटली डिलीट करना है. अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, यू विल प्रेस दिस डिलीट बटन, तो आपकी वो शीट जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी. मेरी शीट नंबर 4 पे मैं काम कर रही थी, मैंने उसको डिलीट कर दिया. तो यहाँ नीचे से भी आपके नीचे स्टेटस बार में से भी आपकी शीट जो है वो आपको विजिबल अब नहीं होगी. दैट विल बी डिलीटेड परमानेंटली. द लास्ट ऑप्शन ऑफ योर सेल ग्रुप इज फॉर्मैट. फॉर्मैट में क्या है कि आपको रो की फॉर्मेटिंग करनी है, कॉलम की फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं. वन बाय वन हम इन ऑप्शंस को देखेंगे. दिस इज ऑल्सो ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसमें ये सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी. द वेरी फर्स्ट इज रो हाइट. कोई भी रो है, आप उसकी हाइट, अगर आपको लगता है कि आपका डेटा बड़ा है, थोड़े बड़े फॉन्ट में आपने डेटा को प्लेस करना है, तो आप उस रो की जो हाइट है वो आप चेंज कर सकते हैं. आप रो हाइट पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे आप इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी रो हाइट की आपने वैल्यू क्या फिक्स करनी है. वो आप वैल्यू यहाँ पे देंगे एंड प्रेस ओके, तो आपका रो की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कुछ इस वे में. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑटो फिट रो हाइट. ये ऑप्शन क्या करती है, जैसे आप इसको एक सेल को आप सिलेक्ट करोगे जिसकी भी आपने हाइट जो है वो चेंज करनी है, तो उस सिलेक्शन के बाद आप ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करोगे तो आपका जो एक्सेल है, जितना आपका टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपकी रो की जो हाइट है उसको वो क्या कर देगा, फिट कर देगा, उसको सिलेक्ट कर देगा. मीन्स आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपकी अब रो की हाइट की सेटिंग हो जाएगी. दिस इज ऑटोमेटिकली डन बाय योर एक्सेल. नेक्स्ट है कॉलम विड्थ. अब जैसे रो की तो हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, सिमिलरली कोई कॉलम में अगर आप डेटा लिख रहे हैं और आपको उस कॉलम की जो विड्थ है वो इंक्रीज करनी है, उसके लिए यू विल गो फॉर दिस ऑप्शन. वन इज कॉलम विड्थ. तो क्या करोगे, आप डेटा को सिलेक्ट करोगे सबसे पहले. सिलेक्शन के बाद, ये मेरा डेटा सिलेक्ट है 234. सिलेक्शन के बाद मैं क्लिक करूँगी कॉलम विड्थ के ऊपर.
जैसे ही मैं कॉलम विड्थ पे क्लिक करूँगी, ये वाला डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉलम की विड्थ सेट करोगे, देन यू विल प्रेस ओके। आपकी कॉलम की जो विड्थ है दैट विल बी चेंज्ड। तो ये आपकी विड्थ जो है वो चेंज हो गई है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे हम रो हाइट को ऑटो फिट करता है आपका एक्सेल, सिमिलरली कॉलम की विड्थ को भी वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसके साइज को मॉडिफाई करेगा। तो जिस सेल को भी आपने सिलेक्ट करना है ऑटो फिट के लिए, आप उसको सबसे पहले सिलेक्ट करोगे। यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे आप इसको क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका 234 था, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो विड्थ है वो कॉलम की सेट हो गई है। नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट विड्थ। अगर आपको लगता है कि अभी आपका टेक्स्ट और ये जो मार्जिन्स है वो बड़े पास पास में हैं, तो आप इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे अपने कॉलम को, आप डिफ़ॉल्ट विड्थ पे जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ है वो 8.43 है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक्सेल में जो कॉलम की विड्थ है उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या हैं, दैट इज़ 8.43। अगर आपने इसी पे सेट करना है देन यू विल प्रेस ओके। अगर आपने स्टैंडर्ड कॉलम की विड्थ जो चेंज आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो वो आपकी स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो टेक्स्ट है वो प्लेस हो जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलम में। नेक्स्ट ऑप्शन इज द विजिबिलिटी ऑप्शंस ऑफ योर वर्कशीट, हाइड एंड अनहाइड। इसमें हमारे पास तीन ऑप्शंस आती हैं, हम रोज को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं और अपनी शीट को भी हाइड कर सकते हैं। अब आप अपनी शीट के ऊपर काम कर रहे हो, कोई ऐसा डेटा है जो आप हर किसी के आगे प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी रोज़ कॉलम्स को हाइड कर दीजिए या आप अपनी शीट को भी हाइड कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि वो ऑप्शन कैसे होगी। सबसे पहले जिस रो या जिस कॉलम को भी आपने सिलेक्ट करना है हाइड करने के लिए, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम रो की बात करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, दिस इज माय रो जो मैंने सिलेक्ट की है, 845 डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, 845 डेटा इस रो में प्रेजेंट है। तो इसके बाद मैं क्या क्लिक करूँगी, हाइड एंड अनहिड हाइड में जाके हाइड रोज को क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये पूरी की पूरी रो क्या हो गई, अब हाइड हो गई है, हमें विजिबल नहीं है। ऑल दो इट इज़ प्रेजेंट इन योर शीट, डिलीट नहीं हुई है वो सिर्फ आपको उसका जो विजिबिलिटी मोड है वो चेंज हो गया है, अब वो आपको शीट सॉरी रॉ जो है वो विजिबल नहीं होगी। जब तक आप उसको अनहाइड नहीं करेंगे तब तक वो आपको दिखाई नहीं देगी। सिमिलरली अगर आपने किसी कॉलम को हाइड करना है, सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस वैल्यू को हाइड करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने हाइड एंड अनहाइड में जाके हाइड कॉलम्स किए। तो जैसे ही मैं हाइड कॉलम, दिस इज़ प्रेजेंट इन कॉलम ओ, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलम ओ है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब वो किस मोड में चला गया है, हिडन मोड में चला गया है, वो कॉलम आपका हाइड हो गया है। तो ये है रोज एंड कॉलम्स को हाइड करने का मेथड। नेक्स्ट इज टू हाइड योर शीट। अगर आप अपनी पूरी शीट को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप हाइड शीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी शीट क्या है वो हाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास शीट नंबर 4 पे मैं काम कर रही थी, लेकिन अब वो शीट क्या है, विजिबल नहीं है आपको। तो अगर आपने इनको अनहाइड करना है तो आपके पास तीन ऑप्शंस इसी के हाइड एंड अनहाइड में ही आपको ऑप्शंस मिलेंगी, अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम्स एंड अनहाइड शीट। तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और अपनी जो शीट है या रोज हैं या कॉलम्स हैं उनको अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज शीट्स। अब आपकी जो शीट्स हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है, उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपकी आती है रीनेम शीट। मतलब अगर आप किसी भी शीट को रीनेम करना चाहते हो, उसका कोई नया नाम देना चाहते हो, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एक्सेल है वो शीट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको प्रोवाइड करता है।
अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा डेटा रखा है, एक पर्टिकुलर डेटा एक पर्टिकुलर शीट में है एंड यू वांट टू गिव सम नेम टू दैट शीट, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, रीनेम शीट। तो आप क्या करेंगे, वो शीट को ओपन करेंगे, जाके रीनेम शीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आपको शीट का नेम लिखना होगा जो भी आप देना चाहते हैं एंड यू हैव टू प्रेस ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपका शीट का नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। लाइक हेयर मैंने एक शीट बनाई है, उसका मैंने रीनेम किया है, रीनेम होके उसका नया नाम आ गया ABC। सिमिलरली आप जिस शीट को भी करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके उसको ओपन करके रीनेम शीट करके ये प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, इस ऑप्शन से करना चाहते हैं, तब भी हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाइए, शीट पे जाइए, अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पे भी आपको रीनेम की ऑप्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट है मूव और कॉपी शीट। नेक्स्ट ऑप्शन इज मूव और कॉपी शीट। जिस शीट पे आप काम कर रहे हो उसको आपने कहीं और लेके जाना है या उसके कंटेंट्स को, पूरे के पूरे कंटेंट्स को कॉपी करना है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, मूव और कॉपी शीट्स। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे कुछ ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा मूव एंड कॉपी के लिए। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा मूव सिलेक्टेड शीट, कि आपने जो शीट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपने कहाँ लेके जानी है, किस बुक में, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सारे के सारे एक्सेल की आपको वर्कबुक्स मिल जाएंगी। किसी में भी आपने शीट को मूव करवाना है उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे जाके जिस शीट को भी लेके जाना है उसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो वो शीट वहाँ से हट के आपकी नई वाले वर्कबुक में चली जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मूव और कॉपी योर शीट। कॉपी में ये होगा कि आपके आपकी शीट यहाँ से हटेगी नहीं प्रेजेंट वर्कबुक में से, लेकिन दूसरी जगह भी कॉपी हो जाएगी। मूव में ये होगा कि यहाँ से ये शीट आपकी हट के दूसरी जगह चली जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है टैब कलर। टैब कलर जो ऑप्शन है ये किसके लिए यूज़ होती है, जैसे हमने ये आपकी सारी टैब्स हैं जहाँ पर हम शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 5, ABC, दीज ऑल आर टैब्स, ठीक है। अब इनका मैंने रीनेम करना आपको सिखा दिया। अगर आपने इसका कोई कलर चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप कोई और कलर देना चाहते हैं अपनी इस टैब को, तो उसके लिए आप टैब कलर पे क्लिक करेंगे। ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो उस पर्टिकुलर शीट के टैब के लिए कलर हो जाएगा, जैसे ये है। सो दिस इज़ फॉर टैब कलर। नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ योर MS Excel, दैट इज़ प्रोटेक्शन। कैसे आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल एंड फॉर्मेट सेल्स। सबसे पहले अगर हम प्रोटेक्ट शीट की बात करें, तो जैसे ही आप शीट को प्रोटेक्ट शीट ये ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी शीट जो है अनऑथराइज्ड यूज़र से असेस नहीं हो पाएगी, फाइन। तो आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। तो ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा जैसे ही आप प्रोटेक्ट शीट कमांड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपसे वो पूछेगा प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉग्ड सेल। कीप इन माइंड, कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी शीट आप प्रोटेक्ट करते हैं, जितने भी उसमें सेल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं। दोज आर लॉक्ड सेल्स, अगर आप किसी भी शीट को क्या कर देते हो, प्रोटेक्ट कर देते हो। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। आपने यूज़र को कौन कौन सी परमिशंस देनी है वो आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आपने कोई परमिशन नहीं देनी तो यहाँ से सारे अनटिक कर देंगे, देन प्रेस करेंगे ओके। अब दोबारा से वो आपसे दोबारा से एक बार फिर से पासवर्ड पूछेगा, तो आप क्या करोगे, दोबारा से पासवर्ड एंटर करके ओके कर दोगे। अब आपकी शीट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। शीट के किसी सेल में भी आप जाके एडिटिंग करके देख लीजिए, एडिटिंग पॉसिबल नहीं होगी, कोई फॉर्मेटिंग भी नहीं हो पाएगी। ऊपर फॉर्मेटिंग की जितनी भी ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी हाइलाइटेड नहीं होगी, इट मींस आप कुछ भी इस शीट के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। देन इस प्रोटेक्शन के बाद, अब आपने एक बार अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर दिया है, अब आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो जहाँ पे प्रोटेक्ट शीट लिखा होगा अब वहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट आ जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए।
और आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद वो शीट क्या है अनप्रोटेक्ट हो जाएगी, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन ये प्रोटेक्शन के लिए है। ऐसे ही आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक करोगे तो अनप्रोटेक्ट शीट हो जाएगी और आपको दोबारा से पासवर्ड एंटर करके उसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लॉक सेल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप किसी शीट को प्रोटेक्ट करते हो तो उसके सारे के सारे सेल्स क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। अब मैंने एक शीट बनाई तो मैं शीट में अगर मेरे पास ये 5 कॉलम्स हैं और मेरे पास ये रोज हैं, फाइन। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इतना डेटा मेरा, बाकी डेटा क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, उसमें कोई चेंज ना कर सके, लेकिन सिर्फ इन दो सेल्स की वैल्यूज़ कोई भी एडिट कर सकता है, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जो आपने अनप्रोटेक्ट करना है किसी से भी, मतलब जहाँ पे एडिटिंग आप करवाना चाहते हो। इन दो सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं प्रोटेक्ट शीट में गई, प्रोटेक्ट शीट में जाके मैंने फिर से एक पासवर्ड लगाया, दोबारा से री एंटर किया पासवर्ड और ओके प्रेस कर दिया। अब आपकी शीट आप ओपन करके देखिए, जो बाकी के सेल्स हैं ये वाले, ये सारे सेल्स, इसमें एडिटिंग नहीं हो पाएगी, ये सारे सेल्स जहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ, क्योंकि हमने ये सब क्या किए हुए हैं, प्रोटेक्ट किए हुए हैं, दीज आर लॉक्ड सेल्स जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और ये जो 2 बच गए सेल्स, दीज आर अनलॉक्ड सेल्स। अनलॉक्ड मतलब अब इन दो सेल्स पे आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी चेंजेस कर सकते हो। ऑल दो माई शीट इज़ प्रोटेक्टेड 1, बट सिर्फ मैंने राइट किन को दिया है, इन दो सेल्स पे काम करने का आपको राइट दिया है। सो दिस इज द केस ऑफ प्रोटेक्ट शीट एंड लॉक सेल्स। नेक्स्ट इज फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेटिंग की ऑप्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दी है, किसी सेल को आपने फॉर्मेट करना है, उसमें नंबर प्लेस करना है, करेंसी लिखनी है, डेट लिखना है, टाइम लिखना है, परसेंटेज लिखनी है, ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ चेंज करना है, बॉर्डर करना है, अलाइनमेंट करनी है, आपने फिल करना है, कोई कलर फिल करना है, या प्रोटेक्शन, मतलब यही प्रोटेक्शन में यही आता है लॉक सेल करना, तो ये सारी ऑप्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।